लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट 1923 में ही ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और हम लोग यहाँ देख लें। जैसे सपोज कर लें कि HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लें अभी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये ऑक्सी एसिड है और जितने भी ऑक्सी एसिड हैं उन सभी ऑक्सी एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ClO4 है ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है? HClO4 पर क्लोरिक एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पर क्लोरिक एसिड ऑक्सी एसिड है। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है और सेंट्रल एटम जो Cl है यहाँ पे वो भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इस तरह से ये HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद प्रोटॉन लॉस करेगा H+ और ClO4- देगा। तो जो ये बेस बना कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस वीक कंजुगेट बेस होगा। क्या होगा? यहां लिख दे रहे हैं वीक। ये वीक कंजुगेट बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे देखिए CH3COOH ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड ये जब टूटेगा CH3COO- और H+ देगा। ये वीक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस ये है, तो ये कंजुगेट बेस जो फॉर्म किया ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा, है ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देगा और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस देगा। और जैसे देखिए यहां पे बेस के केस में भी कंडीशन वही है, जैसे यहां पे C2H5OH की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये अगर H+ को रिसीव करता है, प्रोटॉन को रिसीव करता है, तो प्रोटॉन को रिसीव करने के बाद ये C2H5OH+ हो गया, O पे प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक H+ को ये रिसीव कर लिया। तो ये जो कंपाउंड है C2H5OH ये बेस है और इसमें एल्काइल ग्रुप के कारण स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये क्या होगा? एल्काइल ग्रुप यहाँ मौजूद है, इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये वीक एसिड देगा। तो ये वीक कंजुगेट W समझ जाएंगे क्या है, W का मतलब वीक है यहाँ, तो वीक बार बार जो लिख रहे हैं साइड में वीक स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ लिखते हैं W का मतलब वीक कंजुगेट एसिड। तो ये वीक कंजुगेट एसिड है। जैसे हम बात करते हैं NH3, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर H+ को ये रिसीव करता है तो H+ को रिसीव करने के बाद ये NH4+ देगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका वीक कंजुगेट एसिड फॉर्म करेगा। तो हम इसको कैसे बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कैसे है स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बारे में चर्चा अभी हम आपसे किए ही नहीं। अभी सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट, जो ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं,
कि ब्रॉन्स्टेड का ही ये कहना था कि जो कंपाउंड एच प्लस यानी प्रोटॉन को रिलीज कर दे वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को रिसीव कर ले है ना वो बेस है। तो प्रोटॉन को रिसीव करने वाला बेस है और प्रोटॉन को रिलीज करने वाला एसिड है, ये ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट। तो हमसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि आप बताएं कि ये जो कंपाउंड है इसका कंजुगेट बेस फॉर्म किया CLO4, तो ये एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम बताने के लिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चंस के थ्रू एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे बात कर रहे थे। ये आपका क्वेश्चन है ब्रॉन्स्टेड से, ब्रॉन्स्टेड के सारे क्वेश्चंस पे हम चर्चा कर लिए थे, आपसे बताए थे कि क्या आपको कहेगा क्वेश्चन में कि क्या आप पहचानो कि ये ब्रॉन्स्टेड के अनुसार एसिड है या बेस है। एक क्वेश्चन ये आपसे कहेगा, दूसरा चीज कहेगा आपसे कि ये डाइप्रोटिक है मोनोप्रोटिक है, इस तरह का कंडीशन आपसे कहेगा। तीसरा कंडीशन कहेगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड बड़ा है या छोटा है, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट H2S का बड़ा है या फिर सेकंड डिसोसिएशन बड़ा है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है। उसी संदर्भ में एक क्वेश्चन आप ये भी देखिए कि अगर आपसे पूछ दे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO4 तो इसका जो बेस बनेगा कंजुगेट बेस वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, तो वीक होगा। इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक कंजुगेट बेस देता है, जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक कंजुगेट एसिड देता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक कंजुगेट एसिड देता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ दिमाग में रखना है, क्लियर है। अब जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको दे H2O, तो H2O के बारे में आप कहते हैं कि जो H2O है ये न्यूट्रल है, तो मतलब उसमें बेसिक कैरेक्टर ओ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन की वजह से है और वीक बेस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें H2O की, तो H2O के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन को अगर ये रिसीव करता है, कर सकता है क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए ये प्रोटॉन को रिसीव कर सकता है। तो ये प्रोटॉन जब रिसीव करेगा तो H3O+ का फॉर्मेशन करेगा, जिसको आप कहते लास्ट क्लास में कि प्रोटॉन का हाइड्रेशन हो गया। प्रोटॉन का क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया, क्योंकि वाटर में प्रोटॉन घुल गया है ना। तो जो प्रोटॉन का हाइड्रेशन आप करवाए ये बना, इसका फिर आप हाइड्रेशन करवा सकते हैं, फिर इसका हाइड्रेशन करवा सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे डिफरेंट टाइप का हाइड्रेटेड प्रोटोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा अलग अलग टाइप। उसी तरह से OH- आयन का भी आप हाइड्रेशन करवाएंगे तो उसका अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरह का हाइड्रेटेड हाइड्रोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, है ना, जो बताए हैं आपको लास्ट क्लास। तो यहाँ पर ये वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस है। एसिड एक कैरेक्टर भी इसका वीक है और बेसिक कैरेक्टर भी वीक है, न्यूट्रल है ये। तो ये वीक बेस है, बेस इसलिए कि ये प्रोटॉन को रिसीव कर सकता है क्योंकि इसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार हम वाटर को बेस कहेंगे और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार हम वाटर को एसिड भी कहेंगे क्योंकि ये एच प्लस को रिलीज भी कर सकता है। तो जो कंपाउंड प्रोटॉन को रिलीज भी कर सके और एक्सेप्ट भी कर सके उसको एम्फीप्रोटिक कहे थे लास्ट क्लास में। एम्फीप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन को रिलीज भी करे, प्रोटॉन को एब्जॉर्ब भी करे, तो ये एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है। वाटर को लेवलिंग सॉल्वेंट भी बताए हैं आपको, हम देखेंगे वीडियो में एसिड बेस के क्रम में हम आपको वाटर को लेवलिंग सॉल्वेंट भी बताए हैं, जिसका मीनिंग हम आपसे कहे थे कि वाटर हर एक कंपाउंड के साथ, चाहे वो एसिड हो बेस हो साल्ट हो जो भी हो कंपाउंड, हर एक कंपाउंड के साथ वाटर की अपनी एक्टिविटी नेचर कैरेक्टर एक तरह का होता है, सेम बिहेवियर शो करता है सारे कंपाउंड्स के साथ। अब वो कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कंपाउंड वाटर से एफिनिटी रखता है या नहीं रखता है।
तो जो भी कंपाउंड वाटर से एफिनिटी रखेगा वो वाटर के साथ डिजॉल्व होगा, और एफिनिटी नहीं रखेगा तो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपाउंड बदल गया तो वाटर का नेचर बदल जाएगा उस कंपाउंड के साथ, ऐसा नहीं होगा। इसलिए वाटर लेवलिंग सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है यहाँ पर वीट बेस की, तो वीट बेस ये H2O है, H प्लस को रिसीव किया H3O दिया, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन किया, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड H3O प्लस इस तरह से। तो फाइनली हम एक पॉइंट लिख रहे हैं जिसको आप याद रखेंगे, ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट से इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्या। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक कंजुगेट बेस फॉर्म करता है, जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस फॉर्म करेगा। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ये ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म्स वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस सिमिलरली। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्स वीक कंजुगेट एसिड और वीक बेस फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। क्लियर है? इस तरह से फॉर्म करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म करता है वीक कंजुगेट बेस को, वीक एसिड फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस को, इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक कंजुगेट एसिड को और वीक बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड को। क्लियर है? तो कंडीशन ये दिमाग में रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट से। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक, वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, है ना, एसिड कंजुगेट बेस बनाता है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक कंजुगेट एसिड, बेस एसिड बनाता है कंजुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग है तो वीक बनाएगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये रखने की कहाँ बात है, ये दिमाग में फिट रखना है इसको। इस तरह से आज देख रहे हैं हम लोग लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, 1923 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, और ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट जो था ये आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से थोड़ा बड़ा था। ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी बात क्लियर हुई एसिड और बेस के बारे में, लेकिन बहुत सारी बात में भी कुछ बात छूट गई, जिसको कंप्लीट करने के लिए फिर हम लोग लेविस एसिड की बात करते हैं, लेविस एसिड बेस की बात करते हैं। लेकिन आर्हेनियस से बड़ा कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड का। ब्रॉन्स्टेड एक ब्रॉड एरिया को कवर किया एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में। अब यहाँ देखें हम लोग लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये आपको 1923 में ही ये कॉन्सेप्ट भी दिया गया था, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट भी सेम ईस्वी में दिया गया था, सेम ईयर में दिया गया था। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जी एम लेविस हम लोग कहते हैं इनको, ऐसे पॉपुलर जो नाम है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये हेडिंग ध्यान में रखेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम कहते हैं कि एसिड्स आर दोज विच हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, एंड
सेंट्रल एट, है ना, यानी यहां पे आप कहें कि एसिड्स आर दोज विच हैव लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में, कहां पे, वैलेंस सेल में, आउटर सेल में ही हम लोग लॉन पेयर को देखते हैं। तो मतलब वैलेंसी एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फॉर शेयरिंग टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करने में जो वैलेंसी हम लोग कहते हैं, तो वैलेंसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो वैलेंस सेल में पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है वही लोन पेयर है। तो अगर किसी सेंट्रल एटम के पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बाद भी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बाद भी अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हुआ हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हुआ हो, ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि अगर वहां पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऐसा कंपाउंड लेविस के कॉन्सेप्ट से एसिड कहलाएगा। ऐसे कंपाउंड को हम लेविस के कॉन्सेप्ट से एसिड बोलेंगे। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं यहां पे कि एसिड्स आर दोज विच हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, कहें इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंसी, है ना, डेफिशिएंसी मतलब कमी, तो डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी कमी एट द सेंट्रल एटम, कितना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर हैव लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे हुए हैं, आप तो यहाँ पेयर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखे हुए हैं लॉन पेयर, है ना, यहाँ लिखा हुआ है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एट द सेंट्रल एटम, तो यहाँ पेयर लिखने की जरूरत नहीं। एसिड, एसिड्स आर दोज विच हैव लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एट द सेंट्रल एटम। एक एग्जाम्पल हम आपको दें, जैसे सपोज कर लीजिए कि BF3, है ना, B यहाँ सेंट्रल एटम है और B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 ही इसकी वैलेंसी होगी, 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना इसका फ्लोरीन के साथ, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही टोटल 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही शेयर करेगा ये, और सराउंडिंग में जो आप देख रहे हैं फ्लोरीन, इसकी वैलेंसी 1 है, हेलोजन है, हेलोजन की वैलेंसी 1 है क्योंकि 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्लोरीन को यानी हेलोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि बोरोन को चाहिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्योंकि उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, है ना, तो 5 चाहिए और वो 5 ले नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता 5 का क्योंकि उसके पास शेयर करने के लिए मात्र 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी परिस्थिति में बोरोन तो अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा ना, इसको कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए 7 था, 1 यहां से शेयर कर लिया 8 हो गया, ये 7 था, 1 यहां से शेयर कर लिया 8 हो गया, ये भी 7 है, 1 शेयर कर लिया तो 8 हो गया, तो टोटल इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सराउंडिंग एलिमेंट का, लेकिन सेंट्रल एलिमेंट जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके पास शेयर करने के लिए मात्र 3 ही इलेक्ट्रॉन था और 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 शेयर हुआ तो 6 हो गया, तो टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन यहां पर सेंट्रल एटम के पास हुआ, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस बेसिस पर हम BF3 के बारे में कहते हैं कि ये लेविस एसिड का काम कर रहा है, BF3 लेविस एसिड का काम कर रहा है। अब यहां सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है,
तो यहाँ कहेंगे आप इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट सेंट्रल एटम का है, इसका मतलब है कि यहाँ पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनकम्प्लीट है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से, एक पेयर इलेक्ट्रॉन से। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन से ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ऐसी स्थिति में हेंस BF3 इज लेविस एसिड। इसलिए BF3 क्या है, लेविस एसिड है, समझ गए। तो BF3 को हम लेविस एसिड कहेंगे। अब देखिए बात आती है यहां पे कि जो एसिडिक कैरेक्टर है ना, एसिडिक कैरेक्टर है। अब बात ये आती है, जैसे अगर हम B के साथ, ये समझ गए। अब देखिए एक बात यहां पे कह रहे हैं कि अगर B सेंट्रल एटम हो और उसके सराउंडिंग में अलग अलग हैलोजन्स मौजूद हो, जैसे देखिए यहां BF3, BCl3, BBr3 और BI3, अलग अलग हैलोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इन सब में पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, तो हमारे दिमाग में पहली बात ये घूमती है कि चूंकि फ्लोरीन सराउंडिंग एलिमेंट है इसका, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है ना, तो हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हैलोजन्स की बात अगर हम करें तो फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑर्डर सबसे हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ये है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का क्या मतलब है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मतलब है कि हाई कैपेसिटी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की कैपेसिटी हाई हो, तो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी इसके पास है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की। तो यहां पर फ्लोरीन जो है वो बोरोन के साथ जो शेयरिंग कर रहा है, तो बोरोन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी ओर हाई कैपेसिटी से अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शन यहां कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घट गई, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और घट गई, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और घट गई। इस बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं, मतलब पहला जो कॉन्सेप्ट दिमाग पे आता है, क्योंकि हम लोग जनरल पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगा तो फिर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर हम ऐसा ही सिर्फ सोचते हैं तो इस आधार पर सबसे ज्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, फिर ये, तब ये, तब ये, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होगा। लेविस के कॉन्सेप्ट से, लेविस क्या था, लेविस का कि सेंट्रल एटम के पास पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी यानी डेफिशिएंसी, जितनी अधिक होगी एसिडिक कैरेक्टर उसमें उतना ही हाई होगा। तो डेफिशिएंसी जितनी अधिक होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना हाई होगा, तो डिफिशियंसी हमको चेक करना चाहिए सेंट्रल एटम पर कि कहां डिफिशियंसी ज्यादा है। अब सपोज कर लेते हैं कि आप घर में दो भाई हैं और दोनों अलग अलग रहते हैं है ना, लेकिन दोनों भाई अगर वो एक आपसे थोड़ा कमजोर है और आप थोड़ा उससे मजबूत हैं आर्थिक रूप से, और वो अगर भूखा है तो आप निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे क्योंकि आप उसके पास रह रहे हैं, तो आप उसको भूखा नहीं देखेंगे या देखना चाहेंगे, आप उसकी मदद करेंगे। लेकिन अगर सपोज कर ले कि आप अलग अलग रह रहे हैं और आप दूर रह रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में अगर वो भूखा है तो आप उसको देखने भी नहीं आ रहे और आप मदद भी नहीं कर सकते दूर से। तो ये जो नजदीक वाली मदद होगी और दूर वाली मदद होगी, कौन स्ट्रॉन्ग हेल्प होगा, नजदीक से या दूर से? तो नजदीक से। यहां पर वही बात है, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, और जब कमी है तो इसके बगल में जो सराउंडिंग एलिमेंट है वो इसके काफी नजदीक है, और नजदीक होने की वजह से इसकी कमी को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसकी भरपाई करता है, क्योंकि ये धनी है और ये कमजोर है, पुअर है। ये कमी यहां पर पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ गई। ये धनी है, बावजूद इसके ये इसको मदद नहीं कर सकता, इसलिए यहां कमी ज्यादा हो गई। इस जगह पर और कमी हो गई क्योंकि इसकी दूरी और बढ़ गई, और इसकी दूरी और बढ़ गई इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी और हो गई। दूरी क्यों बढ़ गई? साइज की वजह से। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, क्लोरीन का इससे बड़ा साइज है, ब्रोमीन का साइज इससे बड़ा है, और आयोडीन का साइज इससे बड़ा है। बोरोन का साइज तो सब में कॉमन है, क्योंकि बोरोन तो नहीं बदल रहा है, हेलोजन बदल रहा है। तो हेलोजन जैसे जैसे बदलेगा तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन टू क्लोरीन, यानी फ्लोरीन टू क्लोरीन, सॉरी आयोडीन, आयोडीन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। फ्लोरीन से आयोडीन के तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने की वजह से सेंट्रल एटम पे डेफिशिएंसी जो है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज होगी, है ना? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहां पे फ्लोरीन टू आयोडीन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देयर बाय इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन पेयर एट द बी एटम बोरोन एटम इंक्रीजेस, है ना? देयर बाय इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंसी एट बोरोन एटम इंक्रीजेस। ये साइज छोटा है, और फ्लोरीन के पास, अभी हम बताया आपको कि फ्लोरीन है और इसका साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने का मतलब ये दोनों जो होगा इसके बीच की दूरी कम होगी, और इसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी खाली जगह है इसके पास, ये जो है इसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन की खाली जगह खाली है, इसको चाहिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ये इसके नजदीक में है, डिस्टेंस कम है, बॉन्ड लेंथ छोटा है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं आप इसी को बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन, बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन मतलब बैक सपोर्ट, बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए बैक सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्लोरीन। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डिस्टेंस काफी क्लोज है दोनों के बीच का, साइज छोटा है फ्लोरीन का इसलिए डिस्टेंस क्लोज है, डिस्टेंस क्लोज है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, यहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्योंकि साथ है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही ना शेयर किया, तो बाकी तीन तीन तो इसके पास लॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहां जस्ट इसके जगह में खाली जगह हो तो जस्ट वही बात होती है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। जैसे सपोज कर ले कि अगर पानी फ्लो कर रहा हो किसी नाले में, और उस नाले के किसी एक जगह पॉइंट पे आप क्या करें कि गड्ढा कर दें, तो सारा पानी नाला का उस गड्ढे में चला जाएगा, जस्ट उसी तरह से यहां पर ये गड्ढा है, खाई, और यहां पर पानी है, तो पानी का फ्लो इस तरफ हो जाएगा, जहां खाली मिलेगा उसको उस तरफ फ्लो कर जाएगा, बशर्ते कि अप्रोच में होना चाहिए। अब नाला मतलब पानी यहां बह रहा है और आप उसे
एक किलोमीटर दूर में खाई कर देंगे तो क्या ये पानी वहां उछल कर चला जाएगा क्या, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, मतलब अप्रोच में होना चाहिए। तो अप्रोच का ही सेंस यहाँ है बॉन्ड डिस्टेंस, अप्रोच का ही सेंस यहाँ है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा सेंट्रल एटम का जो खाई है ये इलेक्ट्रॉन भर देगा। साइज छोटा होने से डिस्टेंस कम होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम होगा। और लेविस क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जितनी अधिक हो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी हाई होगी। अब बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बेसिस पर इसका ज्यादा होना चाहिए या इसका ज्यादा होना चाहिए? तो लेविस के कॉन्सेप्ट के अनुसार इसका ज्यादा होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी ज्यादा है, इसलिए यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ हाई हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। क्लियर है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो है, फिर ये भी। हम इस बात की चर्चा यहाँ क्यों किए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात, क्योंकि क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिए थे BF3। तो एक सवाल उठ सकता था दिमाग में कि अगर BF3 लिए तो हम BI3 ले लेते हैं। फिर एक सवाल आ सकता था कि BF3 और BI3 की बात है तो इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है। अभी ये सवाल उठ ही रहा होगा दिमाग में क्योंकि हम बार बार स्ट्रॉन्ग और वीक की चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ के बारे में अभी कोई चर्चा किए नहीं। तो पहले हम लोग जो काम कर रहे हैं कि सारे लॉज को हम समझ लें कि कौन लोग क्या क्या कहे, कॉन्सेप्ट को जान लें, फिर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ये रास्ते में कुछ बात आ गई थी, क्वेश्चंस एक एराइज हो रहा था दिमाग पे, इसलिए उस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ देखते गए कि ये क्या है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा होगा। अब देखिए ये तो हम एसिड की बात किए, लेविस के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये तो एसिड्स आर दोज विच हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एट द सेंट्रल एटम, एक पॉइंट ये कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं आप कि ऑल केटायंस मतलब जिस पर प्लस चार्ज आर लेविस एसिड है ना, सभी केटायंस लेविस एसिड है। तो हम एक पॉइंट ये कहें एसिड के रिगार्डिंग लेविस के अनुसार, दूसरी बात ये कहेंगे कि ऑल केटायंस आर लेविस एसिड है ना, ऑल केटायंस आर लेविस एसिड्स। अब देखिए जैसे हम सपोज कर ले कि H प्लस एसिड की बात करते हैं, तो यहां पे हम बात कर ले H प्लस, ये लेविस एसिड है। जैसे हम बात कर लेते हैं Br प्लस, हम बात कर लेते हैं Cl प्लस, हम बात कर लेते हैं CH3 प्लस, जैसे बात कर लें NO प्लस, इस तरह से ATC, ये जितने भी केटायंस हैं वो सब केटायंस प्लस चार्ज वाला जो भी है सब एसिड है। कुछ मेटल्स का भी एग्जांपल यहाँ आपको हम दे दें, जैसे Zn+2, जैसे Fe+3, जैसे Cu+2, ये सब मेटल है और केटायन Hg+2, Ag+, ETC, ये सब एसिड। ये केटायन क्या बताते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया इसका। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस किया होगा न्यूट्रल फॉर्म से प्लस में आ गया लॉस करके, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, क्योंकि जब वो न्यूट्रल फॉर्म में था हम किसी इनर्ट एलिमेंट को तो यहाँ नहीं लिखे हैं, ये सब तो एक्टिव है। इनर्ट एलिमेंट का ही वैलेंस शेल कंप्लीट ऑक्टेट का होता है और इनर्ट एलिमेंट केटायन या एनायन बना भी नहीं सकता। तो ये जो भी केटायन बनाया होगा
वो एक्टिव एलिमेंट है और एक्टिव एलिमेंट जो है उसका पहले से ही उसका वैलेंस सेल कंप्लीट नहीं है, पहले से ही उसका वैलेंस सेल कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट उसका पूरा नहीं है, क्योंकि हम इनर्ट एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इनर्ट एलिमेंट ही पूरे पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट ऑक्टेट का है। तो इनर्ट एलिमेंट को अगर हम साइड करें तो बाकी जो भी एलिमेंट है वो तो एक्टिव है, और एक्टिव एलिमेंट जब है तो सारे एक्टिव एलिमेंट का ऑलरेडी वैलेंस सेल जो है कंप्लीट नहीं है, उसके न्यूट्रल फॉर्म में, और इनकम्प्लीट वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो और इनकम्प्लीट हो गए। तो इनकम्प्लीट वैलेंस सेल पहले से ऑक्टेट पूरा है नहीं, और उसमें से भी इलेक्ट्रॉन आप लॉस कर दिए, तो ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बढ़ गई। और लेविस कहा कि डिफिशियंसी जितनी अधिक हो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी अधिक होगी। तो आप स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि जो केटायंस है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि केटायंस मोर डिफिशियंसी को प्रेजेंट करता है, और न्यूट्रल फॉर्म जो है इसके रिस्पेक्ट में कम डिफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां डिफिशियंसी अधिक होगी, लेविस कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ वहां अधिक होगा, इसलिए केटायंस मोर एसिडिक है किससे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। क्लियर है? तो यहां ध्यान रखेंगे कि केटायंस है ना, रिप्रेजेंट्स मोर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल देन द या आप कह सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंसी। पाताइसन मतलब कि ऑल केटायंस आर लेविस एसिड्स, ये तो आप समझ लें कि जिस पे भी प्लस चार्ज है उस सबको एसिड कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं। यहां जो लिखे हैं उसको ये जानने के लिए कि अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे दिया गया और कोई प्लस वाला दे दिया गया, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे कि न्यूट्रल वाले को, तो वहां पॉजिटिव चार्ज वाले को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ भी कंपैरिजन की बात होती है, जैसे ऑक्सी एसिड्स है, अब H2SO4 है और हमको H3O प्लस से कंपेयर करना है, तो H3O प्लस में भी तो प्लस चार्ज है और H2SO4 में तो प्लस चार्ज है नहीं, तो फिर हम वहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे किसको कहेंगे, तो प्लस वाले को कह दें क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं, H2SO4 H3O प्लस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब वहां पे बात क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का इंक्रीज होना, तो चार चार ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ गया H2SO4 में, मल्टीपल बॉन्ड है, सेंट्रल एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो मल्टीपल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑर्बिटल जो है उसका कभी भी वैकेंट हो सकता है, खाली हो सकता है सेंट्रल एटम का, तो वहां वैकेंसी बढ़ जाएगी, इसलिए H2SO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा H3O प्लस के रिस्पेक्ट। हम एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं,
अगर हमसे कोई ऐसा कहता कंपेयर करना हो किसी पर्टिकुलर का पर्टिकुलर के साथ, तो और भी कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा जो आगे हम लोग समझेंगे। अब हमसे कुछ कह दे कि HNO3 को बताओ कि S3O प्लस से स्ट्रॉन्ग है कि क्या है, तो HNO3 स्ट्रॉन्ग है S3O प्लस से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड होता है। तो बहुत सारी बातें हैं स्ट्रेंथ को जानने के लिए जो हम आगे बात करते हैं आपसे। लेकिन अगर इन जनरल अगर हमसे कोई कहता है कि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और कोई केटायन है, अब इसमें बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ऑब्वियसली केटायन ज़्यादा एसिडिक है, किससे? न्यूट्रल स्पेसिस से, क्योंकि केटायन जो है ये एक आपको सेंस स्पष्ट करता है, ये आपको एक सेंस स्पष्ट करता है, जैसे ही प्लस चार्ज आप लेते हैं तो ये सेंस स्पष्ट करता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की वैकेंसी को बताता है। और लेविस का कॉन्सेप्ट है कि जहां वैकेंसी अधिक हो सेंट्रल एटम पे, ऐसे कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर हमसे कोई कहता है कि न्यूट्रल और केटायन में कौन ज्यादा एसिडिक, तो केटायन ज्यादा एसिडिक न्यूट्रल के रिस्पेक्ट। लेकिन अगर पर्टिकुलर को पर्टिकुलर के साथ कंपैरिजन करने की बात कह दे, तो फिर हम वहां और भी कैरेक्टर डिसाइड करेंगे जो हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन से कैरेक्टर से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने वाले हैं। तो आगे देखें, तो ये देख रहे थे कि ऑल केटायंस आर लेविस, केटायंस रिप्रेजेंट मोर एंड मोर डिफिशियंसी। केटायन ये प्रेजेंट करता है कि अधिक से अधिक वहां डिफिशियंसी होगी, है ना? तो मोर एंड मोर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस सेल में ही होता है। विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट की बात हम कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में ये बात बोला जा रहा है, तो न्यूट्रल स्पेसिस के बारे में, न्यूट्रल स्पेसिस के रिस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मतलब ये नहीं कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे CH4 ले लें, तो CH4 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है क्या? नहीं है, क्योंकि CH4 मीथेन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी नहीं है। हम वैसे न्यूट्रल स्पेसिस की बात कर रहे हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशियंसी हो, तब ना आप उसको एसिड बोलिएगा। तो लेविस क्या कहा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो उसको एसिड कहते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो, यानी पहले वो एसिड हो लेविस के अनुसार, और उस एसिड का अगर हम कंपैरिजन केटायन से करें, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि केटायंस आर मोर एसिडिक देन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट। लेकिन ध्यान हमेशा इस बात को रखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का केटायन के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो क्या केटायन ही वहाँ एसिडिक होगा ज़्यादा, तो ये देख जरूरी नहीं है, ये देखना होगा हमको कंपाउंड का सिचुएशन, कंपाउंड की स्थिति कि वो कौन सा कंपाउंड है। क्लियर है? कंपाउंड पर डिपेंड करेगा। तो आगे देखते हैं, जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मल्टीपल बॉन्ड बनाता हो, मल्टीपल बॉन्ड, जैसे CO2, जैसे SO2, जैसे NO2, जैसे P2O5, यानी आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। जैसा कि आप पढ़े होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, हम आपको बताए हैं कि टोटल नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में आप 17 लेते हैं, और उस 17 नॉन मेटल्स में से 6 नॉन मेटल इनर्ट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब इनर्ट, बाकी जो 11 बच गया वो एक्टिव नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, सल्फर। इस तरह से जो आप 11 नॉन मेटल्स लेते हैं,
वो सभी नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर एक्टिव एलिमेंट है जो किसी भी मेटल और किसी भी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में सक्षम है। हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना सकता है उतनी ही एफिनिटी के साथ जितना सल्फर। तो सल्फर के साथ भी ऑक्सीजन की एफिनिटी और हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन की एफिनिटी बराबर है। अब डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कितना उस एफिनिटी में ऑक्सीजन के साथ सहयोग करता है बॉन्ड बनाने में, सल्फर कितना उसके साथ सहयोग करता है बॉन्ड बनाने में। लेकिन ऑक्सीजन की एक्टिविटी हर एक के साथ जो है वो एकदम सेम एक्टिविटी शो करता है। अब किसी को ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्ट कर लेता है किसी एलिमेंट के साथ और किसी एलिमेंट के साथ स्लो रिएक्शन करता है। वो एलिमेंट जो रिएक्शन करने वाला है उस पर डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अब जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की बात हो, फास्ट रिएक्टिविटी होगी क्योंकि हाइड्रोजन कंबसिबल एलिमेंट है, इनफ्लेमेबल है, ये जलेगा। तो हाइड्रोजन तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्टिविटी होगी। और इसी जगह आप सल्फर को ले लें तो उसकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी क्योंकि सल्फर पर डिपेंड किया ये कैरेक्टर, ये जो रिएक्शन यहाँ डिपेंड किया वो सल्फर पे। कार्बन की बात कर ले तो कार्बन की रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे नेचर किसका है, कार्बन का है, हाइड्रोजन से अगर हम कंपेयर करें। ऑक्सीजन अपनी एक्टिविटी हर एलिमेंट के साथ एकदम काफी विग्रस एक्टिविटी शो करता है, काफी विग्रस एक्टिविटी शो करता है हर एलिमेंट के साथ, वेदर द एलिमेंट विल बी मेटल और नॉन मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है। तो इस तरह का कंडीशन यहाँ पे, अब उसमें भी सारे मेटल्स के साथ में, अब ऑक्सीजन की बात सिल्वर से कर ले आप, सोडियम से करो, सोडियम के साथ हाई रिएक्टिविटी को शो करेगा। लेकिन सिल्वर के साथ रिएक्टिविटी की बात होगी तो रिएक्टिविटी स्लो हो जाए क्योंकि सिल्वर के साथ वो लेयर तक ही रिएक्शन कर पाएगा, सरफेस पर ही रिएक्शन कर पाएगा। और जैसे एक परत ऑक्सीजन का बन जाएगा सिल्वर ऑक्साइड का सिल्वर पे, उसके बाद ऑक्सीजन का रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, सिल्वर के साथ नहीं करेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि चांदी पे कभी जंग नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होता है चांदी का, सिल्वर का रस्टिंग नहीं होता है। आयरन के साथ ऑक्सीजन को ले देखिए, काफी फास्ट रिएक्शन देगा क्योंकि आयरन का रस्टिंग काफी फास्ट होता है। ऑक्सीजन के साथ कॉपर को ले, ब्लू लेयर बना लेगा, लेकिन फ्लोरिन के आयरन के रिस्पेक्ट में उसकी रिएक्टिविटी कॉपर के साथ स्लो हो जाएगी। ये कहना है हमको कि लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करे तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेगा और मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर, यानी वो लेविस एसिड कहलाएगा। ऐसे ऑक्साइड्स को लेविस एसिड कहें। तो हम इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, हम दोनों तरह से लिखकर बता रहे हैं, दोनों पैटर्न पे लिखकर बता रहे हैं कि ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर लेविस एसिड्स, है ना। और इसी में एक बात यहां जोड़ते हैं, ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर लेविस एसिड्स। और हम इसी में एक बात और यहां ऐड कर दें, जोड़ दें, वो क्या, वो बात यहां पर ऐड कर रहे हैं हम कि द एसिड्स फॉर्म, ये जो एसिड्स है जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो एसिड फॉर्म करेगा, ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर लेविस एसिड्स, द एसिड्स फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ये एसिड क्या फॉर्म करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे हम बात करें CO2, तो देखिए C डबल बॉन्ड O, ये एसिड है। क्यों एसिड है,
हम एक एग्जांपल आपको दे दे कि एसिड क्यों है। जैसे सपोज कर ले कि सी ए पर प्लस टू चार्ज होता है और ओ पे माइनस टू चार्ज, एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेगा ना। एसिड को आप प्रूफ करेंगे कि ये कंपाउंड एसिड क्यों है तो बेस से रिएक्शन करना चाहिए इसको। दूसरी बात कि ये कंपाउंड एसिड क्यों है तो लेविस के कॉन्सेप्ट से इसके सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए लेविस के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के अनुसार तो हम इसको एसिड नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है एसिड के बारे में कि जो प्रोटॉन डोनेट करे, तो है क्या इसके पास प्रोटॉन नहीं है, तो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार हम CO2 को एसिड तो नहीं कर सकते। लेविस के अनुसार अगर हम इसको एसिड कहेंगे तो लेविस का कॉन्सेप्ट कहता है कि सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, अगर है ऐसा तो वो कंपाउंड एसिड है। तो यहां पर अगर कहा गया कि CO2 के बारे में कि CO2 एसिड है या नहीं है, तो हम लेविस के आधार पे ये जानना चाहेंगे कि क्या सेंट्रल एटम जो सी है उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, क्या ये जो कंपाउंड है बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। अगर इस बात पर ये कंपाउंड खड़ा उतरता है इसका मतलब ये एसिड है। तो यहां देखें, हम एक बेस लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड को बेस कहते हैं, जो भी मेटल ऑक्साइड्स होता है उसको बेस कहते हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड है बेस। अब यहां भी एक सवाल होता है कि क्या सभी मेटलिक ऑक्साइड्स बेस हैं, तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक नेचर के भी हैं, जिस बारे में हम आपसे आगे चर्चा किए थे, बहुत पहले बेसिक में बताए हैं आपको कि जिस मेटल पे चार्ज प्लस फाइव या प्लस फाइव से ज्यादा हो जाए, ऐसे मेटल जब ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे तो उस ऑक्साइड्स में एसिडिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, उसका बेसिक कैरेक्टर सप्रेस कर जाता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। 100% कैरेक्टर प्यूरिटी की बात करेंगे तो कोई भी कंपाउंड 100% एसिडिक नहीं है, 100% बेसिक नहीं है। यहां पे कैरेक्टर डोमिनेंसी की बात होती है कि कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, और नॉन मेटल ऑक्साइड है उसको हम एसिड करते हैं क्योंकि उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है या एसिडिक कैरेक्टर ये डोमिनेंट है। तो 100% प्योर जिसको आप कहते हैं उस वो कैरेक्टर तो नहीं होगा किसी भी कंपाउंड में, डोमिनेंसी किस कैरेक्टर की है वो देखना होता है। तो जिस कैरेक्टर की डोमिनेंसी हो वो एसिडिक, तो मेटालिक ऑक्साइड में बेसिक कैरेक्टर की डोमिनेंसी इसलिए बेस। लेकिन जैसे जैसे मेटल पे चार्ज बढ़ते चला जाता है, पांच या पांच से अधिक होता है, अगर हम लोग ये रेफरेंस देखते हैं पांच हो प्लस पांच या प्लस पांच से ज्यादा, तो ऐसा मेटल अगर ऑक्साइड फॉर्म करता है जो जनरली डी ब्लॉक का मेटल होता है, जनरली डी ब्लॉक का मेटल होता है जो ऐसा फॉर्म करता है, तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक कहते हैं क्योंकि वहां बेसिक कैरेक्टर उसका सप्रेस कर जाता है और एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाता है, इसलिए ऐसे ऑक्साइड्स को एसिडिक कहते हैं। यहां पे मेटल ऑक्साइड है बेस है। अब ये देखिए सी है, डबल बॉन्ड ओ है और यहां डबल बॉन्ड ओ, जैसे ही ये निगेटिव इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने जाएगा यानी देगा, तो पाई बॉन्ड यहां कमजोर होता है, पाई यहां से तुरंत ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, और पाई जब टूटेगा तो यहां देखिए ध्यान से कि इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इस बॉन्ड का ब्रेकिंग हम बता रहे हैं। डबल बॉन्ड जब होता है उसमें एक पाई एक सिग्मा होता है, तो पाई जब टूटेगा तो पाई में एक इलेक्ट्रॉन, एरो किधर दिखा रहे हैं, कर्व एरो किधर दिखा रहे हैं, हेड किधर है, ओ पे, तो ओ पर हेड होने का सेंस क्या है यहां पे कि सी का जो इलेक्ट्रॉन है वो ओ को चला गया, इसका मतलब सी का लॉस हो गया,
एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया सी का, और सी का जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो वो एक इलेक्ट्रॉन सी जो है इधर से गेन कर लिया। तो यहां तो दो माइनस है, एक ये जब लेगा तो इस पर एक माइनस बचेगा, और वो एक माइनस इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा उसके साथ शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा। तो स्थिति क्या बनेगी वो जरा देखिए। तो सी ए प्लस टू और एक अंदर की बात जो यहां होगी वो क्या हो जाएगा, तो O माइनस, O पे एक माइनस रह जाएगा क्योंकि ये एक माइनस इसको ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ C के साथ C और O पे एक माइनस चला जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चला गया है O पे। तो O एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, C का। तो C का इलेक्ट्रॉन O गेन कर लिया इसलिए O पे माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड O, और इस तरह से ये फॉर्म कर जाएगा सी ए प्लस टू ओ पे माइनस, ओ पे माइनस सी डबल बॉन्ड। क्या सी इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव किया, तो किया, इसलिए सीओ टू एसी है। इसी तरह का सिचुएशन आप यहां पे फॉर्म कर सकते हैं एसओ टू के साथ, एनओ टू के साथ, है ना, जैसे पी टू ओ थ्री के साथ, P2O5 के साथ, जैसे SO3 के। एक एग्जांपल एक्सप्लेनेशन किया हम CO2, CO2 के बारे में बताए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स और भी हम कुछ एग्जांपल्स में आपको दे रहे हैं, जैसे N2O5 नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे SO3 नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, है ना, जैसे आप Cl2O Cl2O ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, जैसे आप F2O नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे आप कह सकते हैं Cl2O7, जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं ना नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड है ये, बात समझ रहे, Cl2O7 जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड है। इस तरह से इसको हम लोग यहां पर लेते हैं, तो यहां पे Cl2O7 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड, ये जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, जैसे I2O7 लेंगे आप, I2O5 लेंगे आप, या कोई भी लेंगे, उसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, समझ रहे। अब देखें यहां, जैसे आपको कहा जाए कि ऐसे कोई भी कंपाउंड जिस कंपाउंड में वैकेंट और वाइटल, वैकेंट और वाइटल वैलेंस सेल में मौजूद हो, वैकेंट और वाइटल, है ना, तो कह सकते हैं आप द कंपाउंड्स विच हैव वैकेंट और वाइटल in the valence cell, यानी valence cell में the compounds which have vacant orbital in the valence cell, ऐसे compound जिसके valence cell में vacant orbital मौजूद हो, vacant मतलब खाली है, खाली orbital मौजूद है, compound है तो इसका मतलब वो neutral है, neutral होने के बावजूद भी उसके पास vacant orbital मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, एसिड कहते हैं। तो द कंपाउंड्स विच हैव वैकेंट ऑर्बिटल इन द वैलेंस सेल आर लेविस एसिड्स। हम एक एग्जांपल आज लिख दे रहे हैं, इस पर एग्जांपल, इस एग्जांपल पे अगले क्लास में एक्सप्लेनेशन करते हुए हम लोग बेस के बारे में डिफाइन करेंगे कि बेस क्या है।
एक एग्जांपल हम यहाँ लिख दिए SiF4, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल करेंगे कि कैसे आप कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, क्यों इसको आप एसिड कहते हैं, इस पर चर्चा करते हुए हम लोग फिर बेस के बारे में, लेविस बेस के बारे में क्या कहा उस पर डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। आ जी।